कोरोना संक्रमण से लड़ाई में अहम रोल निभाने वाले डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों अपनी जान पर खेल रहे हैं। अपना फर्ज निभाते निभाते ये भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, मगर अपना काम करना बंद नहीं करते। कुरुक्षेत्र में ऐसे ही दो कोरोना योद्धाओं की मौत हो गई। दोनों ही मृतक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स बताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के RMO डॉक्टर SS अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक डॉक्टर लंबे अरसे से सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे थे और इसी तरह से नर्स भी काम करते समय ही पॉजिटिव हुई। दोनों की मौत हो गई। हमें रात को खबर आई थी, डॉक्टर रवि कांत हमारे डॉक्टर थे, पिछले कुछ महीनों से आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उसी के दौरान उनको कोविड हुआ, फिर वो सीरियस हो गए और कल रात को उनकी डेथ हो गई। एक और हमें पता चला है कि हमारी AMM है फील्ड में, उनकी भी एक्सपायरी उसमें एक्सपायर हुए हैं, वो भी कोरोना से हुए हैं कल। और मैं तो जनता से यही कह पाऊंगा कि अपना बचाव रखें, घरों से कम निकलें, लॉकडाउन का सारे जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो सारी फॉलो करें। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर लंबे अरसे से कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल कोरोना आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत थे और संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटे थे। इसी दौरान उन्हें भी कोरोना हो गया और उनकी हालत गंभीर यानी बद से बदतर हो गई। इस तरह एक अन्य कोरोना योद्धा ANM की मौत की पुष्टि करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने जनता से अपील की है कि अपना बचाव रखें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें व कम से कम बाहर निकलें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले में कोरोना से संक्रमित 195 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना बचाव खुद करें और सावधानी बरतते हुए घर से बाहर निकलें। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।